कश्मीर को ऋषि वाटिका कहा जाता है। यहाँ समय समय पर कई साधु संत और महात्माओं ने जन्म लेकर भक्तों का उद्धार किया। इन्हीं में से एक हैं भगवान गोपीनाथ जी महाराज। भगवान गोपीनाथ जी महाराज का जन्म 19 आषाढ़ 1955 विक्रमी तदनुसार 3 जुलाई 1898 ईस्वी को वितस्ता नदी के तटों पर बसे पुराने श्रीनगर शहर के बाना मोहल्ला इलाके में एक संपन्न पंडित परिवार में हुआ। इनके पिताजी का नाम पंडित नारायण जोबहान था। भगवान जी के दादा पंडित लक्ष्मण जोबहान अपने समय के वजीरी वजारत रहे। भगवान जी के पिताजी पश्मीने का व्यापार करते थे। भगवान जी की माताजी का नाम श्रीमती हारमाल था, जो एक प्रसिद्ध महात्मा प्रसाद जो पारिमु की सुपुत्री थी। भगवान जी का बचपन हब्बा कदल क्षेत्र के बाना मोहल्ला में ही गुजरा। कश्मीरी पंडितों की परंपरा अनुसार ही भगवान जी के घर का वातावरण भी अत्यंत धार्मिक था। वो परंपरा अनुसार ही हर रोज अपने पिताजी के साथ श्रीनगर शहर के मध्य में स्थित हारी पर्वत की परिक्रमा तथा वहां स्थित शारिका भगवती की पूजा के लिए जाते रहते थे। भगवान जी के मामा जी पोखरीबल स्थित महारज्ञा भगवती के अमृत कुंड की पूजा को अक्सर जाया करते थे और अपने साथ बालक गोपीनाथ जी को भी ले जाया करते थे। इस प्रकार बचपन से ही भगवान गोपीनाथ जी महाराज धार्मिक प्रवृत्ति की ओर मुड़ गए। भगवान जी जब बड़े होने लगे, उनको श्रीनगर के फतेहकदल क्षेत्र में स्थित टेंडल बिस्कू द्वारा स्थापित मिशन स्कूल में दाखिल किया गया, जहां उन्होंने उस समय की प्रचलित विद्या प्राप्त की। नारायण जोबहान साधु प्रवृत्ति के मनुष्य थे। उन्होंने अपनी पुश्तनी जायदाद सौतेली मां को सौंप दी और स्वयं अपने कुटुंब के साथ बाना मोहल्ला में ही शिवजी खैबरी के मकान में किराए पर रहने चले गए। भगवान जी फतेहगदल के मिशन स्कूल में पढ़ते रहे। वो पढ़ने लिखने में तेज थे और साथ ही स्कूल की बाकी एक्टिविटीज में भी दिलचस्पी के साथ हिस्सा लेते रहे। भगवान जी जब 11.5 साल के थे तो 1909 में उनका परिवार शालायार हब्बा कदल श्रीनगर में केशवनाथ नगरी के मकान में किराए पर रहने चला गया। भगवान जी ने स्कूली शिक्षा के साथ साथ उस समय के विद्वानों से धार्मिक ग्रंथों की भी शिक्षा पाई। घर में धार्मिक भक्तिपूर्ण वातावरण होने के कारण उन्होंने भवानी सहस्रनाम, पंचस्थवी, सौंदर्य लहरी, विष्णु सहस्रनाम, महिमनापार, गुरु गीता व शिव स्त्रोतावली कंठस्थ कर लिए थे। भगवान जी साथ ही पढ़ाई में भी अव्वल रहे। उन्होंने मिडिल का इम्तहान अच्छे नंबरात से पास कर दिया। भगवान जी ने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी तथा संस्कृत भाषाओं के साथ साथ शारदा लिपि का भी ज्ञान हासिल किया, जिससे उन्हें कश्मीर के पुरातन शास्त्रों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी दौरान अचानक भगवान जी की माता हारमाल का देहांत हो गया। इसके बाद भगवान जी के जीवन में एक बदलाव आना शुरू हो गया। वो सांसारिक कामों से दूर एकांत में प्रभु का स्मरण करने लगे। समय चलता गया, भगवान जी अब कुछ काम काज ढूंढने के लिए तत्पर हो गए। समय के चक्कर ने उन्हें राजवीर कदल श्रीनगर में स्थित कैलाश जोबहान के मकान में रहने के लिए पहुंचा दिया। भगवान जी के साथ परिवार में वो 5 भाई बहन थे। गोविंद जोबहान उनके सबसे बड़े भाई और देवमाल बड़ी बहन थी। उनसे छोटे भाई का नाम जियालाल था और सबसे छोटी बहन का नाम जानकी माल। सभी भाई बहन आपस में प्यार से रहते थे व बाद में उन्होंने ही भगवान जी का खास ख्याल रखा। संभवतः राजवीर कदल श्रीनगर में रहने के दौरान ही भगवान जी ने रोजगार ढूंढना शुरू कर दिया और वो नमचबल फतेहगदल श्रीनगर में स्थित विख्यात विश्वनाथ कंपासी के विश्वनाथ प्रेस में एक कंपोजिटर के रूप में काम करने लगे। भगवान जी पढ़े लिखे थे और विश्वनाथ प्रेस में नौकरी के दौरान
उन्हें कई किस्म की अच्छी किताबें पढ़ने का मौका मिला, जिनसे उनका आत्मज्ञान बढ़ता गया। भगवान जी कुछ समय के लिए विश्वनाथ ट्रस्ट में काम करते रहे और फिर कुछ समय के बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर दुकानदारी करने का मन बना लिया। जब विश्वनाथ कंपासी ने भगवान जी से नौकरी छोड़ने का कारण पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया, दास्ता और देनदारी इतनी ही थी। भगवान जी युवा अवस्था में भी भक्ति भाव में लीन रहते थे, वो साधु संतों की सेवा करते रहे, उनके दर्शन प्राप्त करके उनसे आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करते रहे। कहा जाता है कि वो बचपन से ही स्वामी जन का अख्तुफची जी के पास आया जाया करते थे और उनकी सेवा कर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते रहते थे। 1913 में भगवान जी सिकड़ा फरसफा कदल श्रीनगर में रह रहे साधु प्रसाद जू पारिम के यहाँ रहने चले गए। उन्होंने वहीं सिकड़ाफर के बाजार में अपनी एक दुकान डाल दी। भगवान जी इस दौरान जहाँ अपना व्यापार भी चलाते रहे, वहीं वो आध्यात्मिक मार्ग पर भी चलते रहे। वो अपनी दुकान चला रहे थे मगर असल में वो अंदर ही अंदर साधना में लीन रहते थे। अब भगवान जी हर दिन माता शारिका की पूजा करने के लिए हरि पर्वत जाने लगे। कभी वो नित प्रभात को प्रदक्षिणा के लिए जाते तो कभी दिन में। वो अपनी चलम और झोला लेकर घंटों देवी आंगन में साधना में लीन बैठे रहते। ये दौर भगवान जी महाराज की एकाग्र भक्ति का समय था। वो दुकान पर तो बैठे रहते थे पर उनका ध्यान बराबर श्री राजराजेश्वरी पर केंद्रित रहता था। कहा जाता है कि इन्हीं दिनों भगवान जी एक मित्र के साथ हरि पर्वत चले गए पर किसी कारणवश दुकान में ताला लगाना भूल गए। मित्र ने जब याद दिलाया तो भगवान जी बोले, देवी दुकान का खुद ख्याल रखेगी। वापसी पर देखा तो सचमुच मकान मालिक दुकान की राखी कर रहा था। अपने इसी भक्ति काल में भगवान जी ने अपने कर कमलों से महागणेश स्तुति, माता की स्तुति, नारायण व शिव तथा गुरु स्तुतियां लिख डाली और वो संभवतः इन्हीं का पाठ भी किया करते थे। इसके अलावा वो कई प्रकार के ओंकार भी बनाते रहे जिनमें से कुछ एक आज हमारे पास सुरक्षित हैं। 1923 में भगवान गोपीनाथ जी सफाकदल क्षेत्र में केशवनाथ धर के यहाँ रहने चले गए। इस समय भगवान जी 23 वर्ष के बांके जवान थे, बेखौफ निडर अपनी साधना में मस्त, अपनी दुकानदारी भी चलाते और अंदर से आध्यात्म में रहते। इसी दौरान उन्होंने वर्नियार सफाकदल श्रीनगर में अपनी दुकान खोली। वर्नियार की दुकान पर अब वो साधना में लीन नजर आने लगे और अब वो रात को भी दुकान में ही रहने लगे। भगवान जी ने अपनी शक्ति धर्म के लिए उपयोग करते हुए भक्तों का ग्रुप बनाकर तीर्थ यात्राएं करना आरंभ किया। भगवान जी ग्रुप लीडर बनकर विभिन्न तीर्थों की यात्रा के कार्यक्रम आयोजित करते रहे। भगवान जी महाराज की अध्यक्षता में ये ग्रुप मट्टन, खीर भवानी, विचारनाग, भद्रकाली, ज्वाला जी ख्रव तथा अन्य स्थानों की यात्राएं करता रहा। कामकाज को देखते हुए बाद में भगवान जी ने अपनी दुकान सफाकदल के चाय दुब नामक मोहल्ले में शिफ्ट कर दी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो दुकान पर बैठते हुए भी अपनी साधना में दिन रात लीन नजर आने लगे और व्यावहारिक संसार से दूर रहने लगे। भगवान जी बराबर महात्मा जनकाक जी के पास आते जाते रहते थे, जो उस समय हब्बा कदल श्रीनगर में पंडित सतलाल वांगनू के पास रहते थे। इसी दौरान वो बाकी भक्तों के साथ यात्राओं पर जाते रहे। सिकड़ाफर सफाकदल में रहने के दौरान वो अक्सर स्वामी बालक काव के पास आध्यात्मिक सत्संग के लिए जाया करते थे, जो भगवान जी की बहुत ही इज्जत किया करते थे। 1923 में एक बार वो भक्तों के साथ तीर्थाटन को निकल पड़े।
भगवान जी का अभिप्राय विजय सप्तमी को मट्टन की यात्रा करना था। इसी दौरान वो महात्मा जीवन साहब के लदू स्थित अस्थापन की यात्रा पर निकल पड़े। 1924 में भगवान जी रंगटेंग मोहल्ले में दीनानाथ बोटा के यहां रहने चले गए। अब उनकी रुचि सांसारिक बंधनों में न होकर केवल अध्यात्म में लीन रहने लगी थी। इसी समय के दौरान उनके पिता नारायण जोबान का देहांत हो गया और सारे घर का भार भगवान गोपीनाथ जी महाराज के कंधों पर आ पड़ा। हालांकि अब वो विरक्ति की अवस्था में आ गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए अपनी छोटी बहन की शादी में तन मन और धन से अपना योगदान दिया। ईस्वी में भगवान जी ने रंगटेंग मोहल्ले के टिकलाल के मकान में रहना शुरू कर दिया। ये समय भगवान जी की गहन साधना का समय था और वो सांसारिक व्यवहार छोड़कर घोर तपस्या करने लगे। वो एक बंद कमरे में एक दीपक जलाकर बैठ जाते। मकोड़ों ने हर तरफ जाले बना लिए, धूल ही धूल जमा हो गई, पर भगवान जी ने अपनी बहन के अलावा किसी को भी कमरे में आने की इजाजत नहीं दी। इस दौरान भगवान जी ने खाना पीना भी छोड़ दिया और अपने शरीर की फिक्र करना भी। कहा जाता है भगवान जी ने इस समय के दौरान भी कई यात्राएं की। ১৯৩৭ में भगवान जी नीलकौल सर्राफ के यहां रहने के लिए डल हसन यार हब्बा का दल आ गए। ये मकान सड़क पर बना था। भगवान जी ने दूसरी मंजिल पर बने कमरे की खिड़की पर अपना आसन जमा लिया, जहां से बाजार के साथ ही हरि पर्वत तथा शंकराचार्य भी दिखाई देते थे। यहां भगवान जी अपनी चिलम पीते रहते और आकाश में अदृश्य शक्तियों से बातें करते रहते। भगवान जी के दर्शनों के लिए अब लोगों का आना शुरू हो गया था। आने वाले रोग मुक्ति, कारोबार व अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भगवान जी की याचना किया करते थे और उनके कष्ट चमत्कारिक रूप से दूर होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता भगवान जी ने मौन धारण करना शुरू किया और अपनी चिलम के साथ मस्त रहने लगे। कोई अगर कुछ पूछता भी तो उसको सिर्फ हां या ना में जवाब देते। इन दिनों भगवान जी दिन में आकर अक्सर देवी आंगनहारी पर्वत में अपनी चिलम फूंकते रहते और गनचू साधना में लीन रहते। कभी कभी तो वो अपनी धूनी रमाकर बिना खाए पिए महीने तक बैठे भगवती को आहुतियां देते रहते। इसी समय के दौरान भगवान गोपीनाथ जी अपने कुछ खास भक्तों को लेकर खीर भवानी में महीना 10 दिन गुजारने जाया करते थे। वो परिसर में देवी के कुंड के सामने बनी कुटिया में अपना आसन जमाते। इधर से महात्मा जनकाक तुपची के साथ भगवान जी महाराज के आध्यात्मिक संबंध कुछ ज्यादा ही नजदीक हो रहे थे। डल हसन यार से थोड़ी दूर होने के कारण भगवान जी हब्बाकदल के उस पार बाबा पोरा मोहल्ला तक जल्दी और आसानी से आ जा सकते थे। वो प्रायः दौड़कर महात्मा जनकाक तुपची के दर्शन करने जाते, जो उस समय महात्मा आफ्ताब जी वांगनू के घर में रहते थे। वहां रोज शाम को भजन कीर्तन हुआ करता था, जिसमें भगवान जी महाराज भक्ति भाव से शामिल होते।
इसी दौरान जनकाकतुपची स्वर्ग सिधार गए। उनके अनुयायी स्वामी आफ्ताबजू वांगनू ने हर वर्ष उनके श्राद्ध पर एक बड़ा यज्ञ करना शुरू किया, जिसके आयोजन में भगवान जी खाना बनाने खिलाने तक का काम श्रद्धा भाव से किया करते। कहते हैं कि एक वर्ष जब यज्ञ चल रहा था तो स्वामी आफ्ताबजू वांगनू ने भगवान जी से पूछा, गोपी दर्शन किए? भगवान जी ने जवाब में कहा, दर्शन ही कर रहा हूं महाराज। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि महात्मा जनकाकतुपची ही भगवान जी के मान्य गुरु रहे होंगे, लेकिन ये बात गुप्त रखी गई थी।